सभी सात छात्रों को मेरी ओर से गुड मॉर्निंग। इलेक्ट्रिशियन सेकंड ईयर के छात्रों के लिए आज हम बैटरी चार्जिंग मेथड टॉपिक से रेक्टिफायर मेथड कोई ड्राइंग बना रहे हैं। तो इसमें ये रेक्टिफायर मेथड में ये होता है, आप बैटरी को, जो बैटरी होती है उसे चार्ज करने के लिए एसी सप्लाई दी जाती है और उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के माध्यम से अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज करके और रेक्टिफायर से एसी करंट को डीसी में परिवर्तन करके बैटरी को चार्जिंग के लिए ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इस रेक्टिफायर मेथड में आप सभी छात्र ये जानते हैं कि रेक्टिफायर का मुख्य उपयोग होता है एसी को डीसी में चेंज करना, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है जैसे 240 वोल्टेज करंट है उसको 12 या 24 वोल्टेज में डाउन करना। तो इसमें ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इसका उपयोग है ये 240 वोल्टेज को 12 वोल्टेज में कन्वर्ट करके और बैटरी को चार्जिंग करना। और ब्रिज रेक्टिफायर जिसमें चार डायोड लगे हुए हैं, इनमें असमान डायोड के सिरों को इनपुट दी जाती है और समान सिरों से आउटपुट ली जाती है। तो आप सभी छात्र इस रेक्टिफायर मेथड को भली प्रकार जानते हैं। कोई भी हमारी, क्योंकि बैटरी में जो सेल होते हैं वे डीसी करंट देते हैं और डीसी उन करंट से वह चार्ज करी जाती है। तो इसमें ये हमारे फ्यूज लगे हुए हैं, फ्यूज के बाद जैसे ये स्विच, इसके बाद स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन के बाद ये ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है, इसमें दोनों सप्लाई दी गई हैं। क्योंकि इसका उपयोग यहाँ तक, ये जो करंट है ये हमारा एसी करंट है। इसके बाद इसमें जब दिया है हमने एसी तो न्यूट्रल और लाइन दी गई है, इसके बाद ये रेक्टिफायर डायोड के द्वारा हमने एसी करंट को डीसी में परिवर्तन करके और बैटरी को सप्लाई दी है। इसमें एम्पियर मीटर लगा हुआ है, कितनी एम्पियर जाती है। इसी में ये फ्यूज है, ये स्विच है, और ये हमारे प्लस माइनस बैटरी के टर्मिनलों में सप्लाई दी गई है। तो हमारे बैटरी चार्जिंग मेथड जो तीन तरह के दिए गए हैं ड्राइंग में, जैसे करंट मेटर मेथड, वोल्टेज मेथड और रेक्टिफायर मेथड। तो हम यहाँ पर बैटरी चार्जिंग का जो रेक्टिफायर मेथड है उसकी ड्राइंग बनाकर आपको बता रहे हैं। तो आप सभी ध्यान दें, रेक्टिफायर मेथड में ब्रिज रेक्टिफायर लगाकर एसी सप्लाई दी जाती है, जबकि वोल्टेज और करंट मेथड दोनों में सप्लाई जो डीसी दी जाती है उसे डीसी करंट से हम बैटरी को डायरेक्ट चार्ज करते हैं। सिर्फ उसमें जो अधिक वोल्टेज करंट होता है उसको कम वोल्टेज करंट कम करने के लिए आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, स्टेप डाउन और स्टेप अप। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यहाँ पर जो बैटरी चार्जिंग मेथड में लगा होता है, जबकि इन्वर्टर में हमारे स्टेप डाउन और स्टेप अप दोनों ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। कम करंट को अधिक में चेंज करने के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, और जो अधिक करंट है उसको कम करने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो हमारे ये रेक्टिफायर में ये चार डायोड को आप इस प्रकार ज्वाइंट करें कि आप के जो असमान सिरे हैं वे इनपुट सप्लाई के लिए और जो समान सिरे होते हैं उनसे आउटपुट सप्लाई बाहर निकाली जाती है। तो आप सभी छात्रों से मेरा ये आग्रह कि आप इन बैटरी चार्जिंग मेथड को अच्छी तरह से इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट पर बनाने का अभ्यास करें, जिससे आप जब भी पेपर होगा आदेश अनुसार तो आप अपनी तैयारी पूर्णता रखें और कोई समस्या का समाधान, आप जो भी समस्या हो उसको आप व्हाट्सएप ग्रुप पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।